तमाम देखने वाले को MY के न्यूज़ TV की टीम की तरफ से मेरा सलाम। मैं हूँ आपका होस्ट अली और आज हम एक बार फिर आपके साथ FAW मोटर्स की एक और नई गाड़ी के रिव्यू के साथ हाजिर हैं। इससे पहले हम आपके साथ FAW V2 का रिव्यू शेयर कर चुके हैं और इसी MY के कार शो की रिव्यू की सीरीज़ में हमने FAW XPV पावर एडिशन को भी कवर किया था। इसकी तमाम प्राइसेस आपको MY के कार शो की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। और आज हम आपके साथ जिस गाड़ी का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं वो आमतौर पे डाला है, FAW कैरियर, जिसको डाला भी कहा जाता है। तो आइए बगैर ताखीर किए इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। FAW कैरियर सेम XPV है, बस इसका अगर आप पीछे का डेक हटा दें तो आप जैसे कि देख सकते हैं इसके XPV और FAW कैरियर के अंदर कोई खासा फ़र्क नहीं है। सिर्फ पीछे एक इसके डेक मौजूद है और इसके पीछे सीटिंग कैपेसिटी दी गई है। जहाँ तक कैरियर के हम इंजन हुड की बात करें तो इसके अंदर हमें ब्रेक ऑयल, वाटर कूलेंट, इंजन कूलेंट और इसके अलावा वाइपर्स का कंट्रोल मौजूद है। और इसी के साथ अगर हम इसके फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो हैलोजन लैंप्स, प्रोजेक्टर लैंप्स, इसके अलावा इंटीग्रेटेड सिग्नल्स और गाड़ी के अंदर प्री इंस्टॉल फॉग लैंप भी मौजूद हैं। गाड़ी की अगर हम फ्रंट ग्रिल की बात करें तो ये क्रोम गार्निश है, काफ़ी खूबसूरती से डिज़ाइन की गई है। गाड़ी के जहाँ तक हम इंजन की बात करें तो ये सेम XPV पावर एडिशन की तरह है। 1000cc 4 सिलेंडर EFI वाटर कूल इंजन FAW कैरियर के अंदर भी फार्म मोटर्स की तरफ से दिया गया है। ठीक है, अगर हम इंटीरियर की बात करें तो हमें 4 स्पोक्स स्टेनिंग व्हील विद ऑन इन 1 टून कलर ब्लैक के अंदर ही हमें मिल जाता है। इसके अलावा स्पीडोमीटर की बात करें तो हमें फ्यूल गेज, RPM मीटर, स्पीड मीटर और इसके अलावा हीट की इंडिकेशन वगैरह की गेज मौजूद है। गाड़ी की जहाँ तक सेंटर कंसोल की बात करें तो हमें 2 वेंट्स मिल जाते हैं और इसके अंदर AC मौजूद नहीं है, इसके अंदर हीटर दिया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि MP3 प्लेयर सिस्टम मौजूद है और साथ ही सिगरेट लाइटर की ऑप्शन भी गाड़ी के अंदर दी गई है। FAW कैरियर के अंदर सेम फॉग की वही किट मिल जाती है, टूल किट। और डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास 4 वेंट्स हैं और इसके अलावा अगर हम गाड़ी के दरवाज़ों की बात करें तो ये हार्ड प्लास्टिक नहीं बल्कि ये फोम है और स्लाइडिंग विंडोज मैनुअल। इसके अलावा गाड़ी की फैब्रिक भी आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको बुलान के साथ कंपेयर करूँ तो काफ़ी बेहतर है। इसके अलावा अगर हम इसके गियर की बात करें तो ये 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी है। इंटीरियर आप कंप्लीट देख सकते हैं कि इसकी रैवल गाड़ी बुलान के अगर साथ कंपेयर किया जाए तो ये काफ़ी बेहतर है उससे। इसके अलावा जो इसके पीछे बैक पे डेक दिया गया, इसकी जो कंपनी क्लेम करती है इसकी लोडिंग कैपेसिटी 1 टन है और इसके अलावा इसकी लंबाई 8 फीट है। FAW कैरियर स्टैंडर्ड की प्राइस 10,24,000। इसके अलावा फ्लैट बेड 10,14,000 और इसी के साथ जो डेकलेस है वो 10,04,000 के अंदर आपको मिल जाता है। तो आपके साथ हम FAW V2 XPV और साथ ही FAW कैरियर का कंप्लीट रिव्यू शेयर कर चुके हैं। तमाम वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद हैं, आप वहाँ पे जाइए और तमाम रिव्यूज डिटेल के साथ देखिए। हमारे चैनल MYK न्यूज़ TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। अपने होस्ट अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।